वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आपको एक ऐसा लोशन बनाना बता रही हूँ जो कि बहुत ही फैबुलस वर्क करता है, और इसे स्किन वाइटनिंग लोशन भी कहा जाता है। और रेगुलर यूसेज से इसका इतना अच्छा इफेक्ट होता है स्किन पे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। विद रेगुलर यूसेज जैसे ही आप करते जाएंगे, इसको लगाते जाएंगे, तो आप देखेंगे एक ट्रमेंडियस चेंज है आपके फेस में। आपके फेस में जो डलनेस थी, सन टैन था, और स्कार्स के जो बहुत प्रोमिनेंट निशान थे, और स्किन जो कलर थोड़ा डल सा था, वो सारा का सारा चीज़ें इस तो ये जो फेस वॉश है जो हम बना रहे हैं, इससे वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी। बट आपको इसको रेगुलर यूज़ करना होगा, आपको कोई गैप नहीं देना है। आप मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग में इसे कर सकते हैं। जो मुस्लिम्स हैं वो वज़ू करने से पहले, नमाज पढ़ने से पहले वज़ू करते हैं, तो वज़ू के टाइम पे आप इसे यूज़ करें। पहले एक बार फेस धो लें तो वो 5 times वर्क करेगा आपके। 5 times आपके जो डर्ट जम जाती है वो आपकी डर्टनेस को निकालता रहेगा, और जब डर्टनेस निकलती रहेगी फेस से तो आप ऑब्वियसली गोरे होते चले जाएंगे और आपका फेस भी निखरता जाएगा, ग्लो भी आता जाएगा। डर्टनेस एयर पार्टिकल्स में ऑब्वियसली है ही, अगर हम उसे कंटिन्यूशन पे हटाते रहेंगे हर 2-3 घंटे बाद, तो वो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो आप हमेशा देखेंगे ज़्यादा फेस वॉश करने वाले लोग जो हैं उनका हमेशा चेहरा अच्छा रहता है, ग्लोइंग रहता है। वो यही रीज़न कि वो डर्टनेस को हटाते रहते हैं। तो आप भी इस लोशन को बनाइए और इसका बहुत फ़ायदा उठाइए। चलिए देखते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। क्विकली हमें चाहिए राइस, जो कि आपको सबको पता है राइस फ्लावर, और राइस बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है, बिकॉज इसकी बहुत ट्रमेंडियस रिजल्ट हैं गोरा करने के लिए। तो आपको ये गोरा करेगा, इसलिए आपको ये, हम मेन जो इसका बेस है वो हमारा राइस ही है। हम राइस वाइटनिंग लोशन बना रहे हैं, बिकॉज हम रोज़ तो पैक नहीं लगा सकते हैं, बहुत लोगों को टाइम नहीं होता है, तो ये अगर अवेलेबल रहेगा तो क्विकली आप अपना चेहरा भी धो सकते हैं इससे। तो ये आपने राइस ले लेनी है और राइस को बॉइल कर लेना है, इस तरीके से जैसे दिखा रखा है पिक में, आपको इस तरीके से बॉइल कर लेना है उसको। बहुत एक्सट्रीम में उसको बिल्कुल ही बॉईल नहीं कर लेना है, जैसे कि मतलब मांड होता है, जैसे मांड बनाते हैं लोग, वो नहीं करना है। हल्का सा उसको, मतलब थोड़ा ये कह लीजिए 1/4 कुक हो जानी चाहिए उसमें, बॉइलिंग आ जानी चाहिए। अब आप अगर ये पूछेंगे कि ये फेस वॉश जो है हम राइस फ्लावर से भी बना सकते हैं, तो जी नहीं, राइस फ्लावर से आप नहीं बना सकते हैं, बिकॉज राइस फ्लावर जैसे ही आप ऐसे बॉईल करेंगे वो लम्स में बदल जाएगा और थिक हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो उसका जो कंपोनेंट है वो डिफरेंट हो जाता है। राइस जब इस तरीके से आप बनाएंगे तो वो डिफरेंट होती है। तो इसमें आपको सिर्फ राइस ही लेनी है, और जैसे जैसे है उसके कोई सब्सटीट्यूट्स नहीं है। अगर आपको गुड रिजल्ट्स चाहिए तो सब्सटीट्यूट इसमें बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद हमें चाहिए इसमें क्लियर सोप, जो कि क्लियर सोप मार्केट में मिल जाएगा आपको, और ये फ्रेग्रेंस फ्री और केमिकल फ्री होता है। कोई भी क्लियर सोप आप ले सकते हैं, ओके, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, आपको शॉप्स पे भी मिल जाएगी कॉस्मेटिक की, इसे क्लियर सोप के नाम से बोला जाता है, ओके। तो आप इसे क्या करेंगे, आप इसे डबल बॉइलिंग में बॉइल कर लेंगे पहले क्लियर सोप को, चाहे तो आप इसमें डायरेक्ट भी डाल सकते हैं इसको। जो आपके चावल बॉईल हो रहे हैं, जब ये 1/4 बॉईल हो जाते हैं, बहुत लो फ्लेम रखनी है आपको, और तब आपको ये जो क्लियर सोप है इसमें डाल देना है। या तो आप ऐसे बॉईल करके उसको डाल दीजिए पहले से, तो लिक्विड फॉर्म में थोड़ा जल्दी हो जाएगा, नहीं है तो डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। डायरेक्टली में क्या है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक उसके क्यूब्स मेल्ट होते हैं, बट बहुत सारे क्लियर सोप के क्यूब्स आप पतले पतले भी काट सकते हैं, तो वो भी वर्क करेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, सूदिंग इफेक्ट देता है, स्किन वाइटनिंग में भी काम आता है, और सॉफ्टनेस देता है आपकी स्किन को। इसके बहुत सारे ट्रमेंडियस रिजल्ट्स हैं स्किन हेल्थ के बारे में। तो ये फेस की स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो हम इसे भी शामिल करेंगे ताकि जो ड्राइनेस है स्किन में वो भी हट जाए, जो राइस है वो आपकी स्किन को अगर आप रेगुलर यूज़ करेंगे ड्राई बना देगी। तो जो एलोवेरा है ये हम डालेंगे, इसे सूदिंग इफेक्ट के लिए हम डालेंगे, बिकॉज जो राइस है वो कंटिन्यूएशन में आप यूज़ करेंगे तो वो आपकी स्किन को खिंचाव देगी, एक उसमें ड्राइनेस होती है। तो अब हमें ड्राइनेस को भी, हमें गोरापन भी चाहिए पर हमें ड्राइनेस नहीं भी चाहिए, ओके। जिनकी ऑयली स्किन है वो थोड़ा कम एलोवेरा इसमें डालेंगे,
जिनको बिल्कुल फ्रीक्वेंटली पिंपल्स आ जाते हैं, बहुत ऑयली है स्किन, तो वो बहुत कम एलोवेरा जेल डालेंगे। जो बाकी हैं ड्राइनेस है उनको तो डालना ही है इसमें एलोवेरा जेल। ओके, ये हो जाएगा। अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं, बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं मिक्सी में। ओके, मिक्सी में ही इसको ग्राइंड करना है, और तब तक ग्राइंड करना है जब तक इसका बिल्कुल ही एक मिल्की आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते। बिल्कुल ऐसे ही आपको इसको ग्राइंड करना है बिल्कुल, बिकॉज इसमें अगर चावल के थोड़े से भी बिट्स बच गए तो फिर आपके बॉटल में वो फंस जाएगा। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि आप इसको बिल्कुल ही ग्राइंड करें अच्छे से। ओके, जब आपका ये हो गया है उसके बाद में आपको इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल देना है। ओके, रोज़ वाटर आप गाढ़ा बना लीजिए, थोड़ा वाटर ही मत बनाइए, थोड़ा गाढ़ा बना लीजिए रोज़ वाटर, वो आप इसमें थोड़ा सा डालेंगे। ओके, ताकि फ्रेशनेस रहे आपकी स्किन में। ओके, नॉर्मल वाटर बिल्कुल भी आपको यूज़ नहीं करना है। जो चावल हैं वो भी बॉइल्ड हैं, जो रोज़ वाटर है वो भी बॉइल्ड है अच्छे से। ओके, थिक सा है थोड़ा सा, तो आप इसे ग्राइंड कर लीजिए। अब जब आपका लोशन बन गया है ये मिल्की फॉर्म में, तब आप इसे फेस वॉश की कोई भी आपकी खाली बॉटल है, न्यू बॉटल, जो खाली एम्प्टी बॉटल मार्केट में आती है आप वो ले सकते हैं। आप इसे इस बॉटल में भर के रख लीजिए और इसे यूज़ कर लीजिए, जैसे कि बताया, बिल्कुल जैसे नॉर्मल फेस वॉश आप धोते हैं बिल्कुल वैसे ही आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये नेचुरल होममेड है, बहुत इफेक्टिव है, कोई केमिकल भी नहीं है इसके अंदर, और बहुत अच्छा वर्क करता है ये। और ऑलमोस्ट देखिए गर्मियों में ये 15 दिन से 10 डेज के लिए बनाएं गर्मियों में, और अगर सर्दियां हैं तो आराम से ये आपका 20 डेज 30 डेज भी चल जाता है विदाउट प्रिजर्वेटिव, बात कर रही हूँ। लेकिन अब जैसे गर्मियां हैं तो आपको इसको या तो आप इसे फ्रिज में रखें, और या तो फिर सिर्फ और सिर्फ 1 वीक के लिए आप इसे बनाएंगे, और 1 वीक के लिए भी आप चाहते हैं कि ये प्रिजर्व रहे। कुछ बहुत जगह पे बहुत गर्मियाँ होती हैं, बाथरूम में रखा है, वॉशरूम वॉश बेसिन पे रखा है, तो आपको उसके लिए कुछ नेचुरल प्रिजर्वेटिव इसमें डालने पड़ेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन से नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। आप मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए थोड़ा सा, उसकी ज़्यादा बूंदे मत लीजिए, थोड़ी सी बूंदे ले लीजिए। लाइक अगर 250 ml है तो आपकी 3-4 बूंदे काम कर जाएंगी। अगर आपका 500 ml है तो आप 1/4 टीस्पून, खाने वाला जो चम्मच होता है 1/4 टीस्पून के से थोड़ा सा कम डालें। ये इतना अच्छा इफेक्ट देता है, ये आपकी चीज़ों को प्रिजर्व करता है ज़्यादा दिन तक। जिस भी चीज़ में ये डाला जाता है वो ख़राब नहीं होती जल्दी से, दैट्स वाई खानों में, पिकल्स में वगैरह में इसे डाला जाता है। दूसरा, अगर आप ये नहीं डालना चाहते स्मेल की वजह से, देन यूज़ कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल बट इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम इफेक्ट देगा, बट कोकोनट ऑयल आप उतना ही क्वांटिटी में, जितना वो डाल रहे थे उतना ही क्वांटिटी में आप कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं। जो थर्ड इसका प्रिजर्वेटिव है, आप एप्पल साइडर विनेगर इसमें डाल सकते हैं, बहुत अच्छा है, वो बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता। 15-20 डेज आपका बाहर भी अच्छे से रह सकता है, बट अगेन जैसे कि मैंने बोला, सिर्फ गर्मियों में आप फिर भी ट्राई करें कि 10 डेज ही रखें, बिकॉज आपने इतनी मेहनत से बनाया, अगर वो स्पॉइल हो गया ओवर हीटिंग ओवर गर्मी की वजह से, बिकॉज कहीं कहीं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी हो जाता है कि 5 डेज वो लास्ट ना ही करे, तो आप ये रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं, इनसे वो 10 डेज कंपल्शन अच्छा रहेगा आपका। ये जो एप्पल साइडर विनेगर है आप ये यूज़ कर सकते हैं, अगेन 1/4 टीस्पून। आप व्हाइट विनेगर भी ले सकते हैं, बट ट्राई करें, एप्पल साइडर विनेगर ज़्यादा इफेक्ट देगा आपको एज़ कम्पेयर टू व्हाइट विनेगर। व्हाइट विनेगर डाल रहे हैं तो आप इसमें 1 टेबल स्पून पूरा भर के डालेंगे। देन जो हमारा पांचवा नेचुरल प्रिजर्वेटिव है वो है रोजमेरी ऑयल। रोजमेरी का जो एक्सट्रैक्ट है, रोजमेरी एक प्लांट है, हर्ब है, वो ड्राई भी मिलता है आपको, बट अगेन अगर आपको ऑयल फॉर्म में ही उसके ड्रॉप्स डालेंगे तो अच्छी खुशबू आती है उसकी काफ़ी, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं एज अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव। ड्राई भी आता है, बट अगेन ड्राई को आपको बॉईल करना पड़ेगा उसका, फिर वाटर, अगेन फिर वो वाटर आपको ग्राइंडर में ग्राइंड करना पड़ेगा। तो बेस्ट है कि आप उसका ऑयल परचेज कर लीजिए, आप 5-6 बूंदे उसकी, डिपेंडिंग अगेन कितना ml आप बना रहे हैं उतना डालें। 5, अगर 250 ml है तो आप 3-4 बूंदे डाल दीजिए ड्रॉप्स, अगर 500 ml है तो आप 6 या 7 बूंदे ऐसे कुछ डाल दीजिए उसमें। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रिजर्वेटिव है वो T50 विटामिन E ऑयल है। ये T50 के नाम से मिलता है, आप मेडिकल शॉप वाले से पूछिए, उनके पास होता है, थोड़ा आई थिंक कम ही जगहों पे मिलेगा,
बट आप ट्राई करें, उनको बोलेंगे तो वो ला कर दे सकते हैं आपको। कॉस्मेटिक जो मेडिकल शॉप्स पे होते हैं, विटामिन ई की जो कैप्सूल्स हैं वो जो कंटेंट होता है, जो प्रिजर्व करता है, वो बहुत कम होता है विटामिन ई कैप्सूल्स में। तो वो अगर आप डालेंगे तो आपका लास्ट नहीं करेगा ये वाइटनिंग फेस वॉश। तो आपको विटामिन ई ऑयल का T50 चाहिए उसके लिए। तो आप ये चेक कर लीजिएगा मार्केट में या कॉस्मेटिक या पे, या फिर आपको मेडिकल शॉप पे तो 100% इसको मिल जाना चाहिए, या फिर उनसे ऑर्डर देके आप मंगवा सकते हैं। तो ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रिजर्वेटिव है वो है ग्लिसरीन। बहुत अच्छा होता है ग्लिसरीन, जिसमें जाता है वो उस चीज़ को ख़राब नहीं होने देता। तो आप ये वो 1/2 टेबल स्पून ये भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा सॉल्ट, डिपेंडिंग कितना बना रहे हैं, 2 पिंच डाल दीजिए अगर आप बना रहे हैं ये 250 ml, और अगर 500 ml बना रहे हैं तो 3-4 डाल दीजिए, डबल कर दीजिए क्वांटिटी। तो ये कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं, जो कि बहुत बेस्ट हैं आपकी जो भी घर में कॉस्मेटिक आप बनाते हैं लोशन फॉर्म में, या फिर आप इसमें फेस वॉश वगैरह में। देखिए लोशन वगैरह का जो मामलात हैं उसमें आप सॉल्ट यूज़ नहीं करें, बिल्कुल भी वो सही नहीं रहता। उसमें आप बाकी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं सॉल्ट के अलावा। उसमें बेस्ट जो वर्क करेगा रोजमेरी करेगा, कोकोनट करेगा, ग्लिसरीन करेगा, विटामिन ई करेगा, बिकॉज इनमें स्मेल भी नहीं होता है अपना खुद का ज़्यादा कुछ, और स्मेल नहीं होता, और जो ऑयल्स का स्मेल है वो भी अगर आप कम क्वांटिटी में डालेंगे तो इतना हार्म नहीं करेगा, और आपका लोशन ज़्यादा टाइम तक बच जाएगा। तो आप इस लोशन को ज़रूर बनाइए, एक बार ट्राई कीजिए, फ्लॉलेस स्किन आपको मिलेगी इससे, फ्लॉलेस स्किन आपको मिलेगी। रिजल्ट्स देख लीजिए कैसे कैसे हैं इसके, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आप ऐसे ही इसको लगाइए फेस पे, अच्छे से रगड़िए बिल्कुल। तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें, एक बार बना कर देखिए कि कैसा बन रहा है। और रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है कि सुबह कर ले, एक दिन में एक बार कर लिया, रात को एक बार कर लिया तो रिजल्ट्स फिर लेट आते हैं। ओके, तो आपको राइस है अगर, तो राइस के साथ में आपको एलोवेरा भी यूज़ करना है, ग्लिसरीन भी यूज़ करना है, और क्लियर सोप तो है ही, उसमें सोप ही फॉर्म में हमें बनाना है बिकॉज उसको। लेकिन ग्लिसरीन और जिनकी एक्सट्रीम ड्राई स्किन है वो कंटेंट ऑफ एलोवेरा और ग्लिसरीन को बढ़ा देंगे। ओके, ये तो इसमें जाना ही जाना है, ताकि ड्राई स्किन वालों को और खिंचाव महसूस ना हो राइस की वजह से। जो ऑयली स्किन है उनके लिए इतना कुछ ग्लिसरीन डालने का कोई मामलात नहीं है, आप ना डालें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा एलोवेरा जेल आप डाल सकते हैं, और आप देखेंगे कि कितना अच्छा आपका ये तैयार हुआ। एक बार नहीं, आप बार बार इसी को बनाएंगे, और हमेशा इससे बनाते ही रहेंगे और यूज़ करते ही रहेंगे, इतना अच्छा रिजल्ट इसके आते हैं। तो फिर अगर आपको होना है तो उसकी थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बाहर के केमिकल फ्री लोशंस और फेस वॉश लाने से अच्छा है कि आप घर में बनाएं और अपनी खूबसूरती को निखारें। और नेचुरल जितना रहेंगे उतना बहुत अच्छा रहेगा आपकी स्किन के लिए भी, और आपके लिए भी। आपका फेस जल्दी से एज वाइज ख़राब नहीं होगा, नेचुरल रेमेडीज़ पे आ जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेंगे, और आपकी स्किन भी फ्लॉलेस रहेगी, आप बहुत खूबसूरत लगेंगे। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए, बना कर देखिए, आई एम श्योर यू विल लव इट। ओके, सो स्टे ट्यून फॉर माई न्यू वीडियोज, टेक केयर एंड बाय बाय ब्यूटिफुल पीपल।